मैं नया लूंगी तो आपको एक फोन दे दूंगी ऐसा बेटा। अरे मेरा सोना, फोन लेके क्या करोगे आप हैं? छोटे बच्चों को फोन नहीं चाहिए होता बेटू, इसलिए फोन चाहिए कि गेम से भर देगा। बोलो। ओ भगवान, हाँ बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। बाबू उठो, लड्डू। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। खड़े होके देख रहे थे आप लोग? रात को ही निकलते होंगे वो लोग, रात को ही निकलते हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग जी, बोलिए जी, कुछ तो बोलिए जी। आलस वाला दिन लग रहा है, संडे छुट्टी का दिन है। ए बाबू आ जा करो नीचे बाबू, ये देखो क्या कर रहा है, यहाँ से लू आ रहा है समझे, आपको लग रहा है हवा आ रही है बट वहां से गर्म हवा आ रही है, हवा आ रही है पर गर्म आ रही है, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। खाली गद्दे में सोए हो यार, संडे 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 संडे, मेरा भी संडे है आज समझे, आज मेरा भी संडे। तो हम खाएंगे खाने का, हम खाएं वो खाने का, ऐसा थोड़ी होता है। आज संडे है, क्या बोले? ऐसा कैसे, मैं जो आप बोलते हो वही बनाती हूँ यार, ऐसा नहीं है कि मैं अपने मर्जी। क्या बनाओगे? मैं खाती हूँ मच्छी, खाती हूँ मैं नॉनवेज, मेरे पसंद का खा बनाओ ना। नहीं कुछ अच्छा सा बनाओ अपने कुछ कुछ अच्छा सा बनाओ आप, अच्छा सा जो मैं भी खा सकूँ। बोल रहा है अच्छे से चिकन ही बना सकते हमको बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं कुछ ऐसा बनाओ कि जो मैं भी खा सकूं ना, हैं? ऐसा कुछ बनाओ कि मैं भी खा सकूं। पहले अच्छे थे यार आप, पहले थोड़ा बहुत ना हफ्ते में कल बार कुकिंग कर लिया करते थे, अभी नहीं करते, अभी गर्मी है इसकी वजह से। मेरे लिए गर्मी नहीं है। मेरे लिए कौन सा ठंडी का मौसम है, मेरे लिए भी तो गर्मी है, हैं? आज बनाओ, आज आप बनाओ, कुछ भी कुछ भी कुछ भी अपने पसंद, जो आपसे जल्दी बन जाए वो, जो आपको है। चिकन, चिकन मैं नहीं खाऊंगी ना बेटा, तो ऐसा कुछ बोलो पापा को बनाने के लिए जो मैं भी खा सकूं। सुन रहे हो? ना ऐसा नहीं, आपके हाथ का बना हुआ वो तो मैं भी लाके खा सकती हूँ, उसमें क्या, बाहर का खाना हो तो क्या मैं नहीं ला सकती क्या? पर मुझे आपके हाथ का बना हुआ खाना है आज, बनाओ कुछ अच्छा सा, बाकी काम मैं कर लेती हूँ। चलो यही काम करो, खाली सब्जी बना लो, बाकी चीजें मैं बना लूंगी, बाकी चीजें मैं बना लूंगी यार। अच्छा तो चुप रहा, तो मत बोला इतना। पापा बना पाएंगे तो चिकन ही बना पाएंगे, मम्मी खाती है बेटा चिकन, पापा बनाएंगे तो किसके लिए बनाएंगे, फिर आप लोग खाना, मैं नहीं खाऊंगी फिर, मैं ना खाऊं बेटा है? है? नहीं चिकन नहीं, पापा को बोलो कुछ अच्छा बनाए, पनीर की सब्जी बनाए, नहीं तो क्या बनाओगे, क्या बनाओगे फिर बोलो, मैं तैयारी करके दे दूंगी, बस हेल्प कर दूंगी थोड़ी बहुत, मेरे को तो वो भी नहीं मिलता, मैं तो बनाती हूँ तो मेरे को हेल्प ही नहीं मिलता, कोई हेल्प ही नहीं करता, मेरे को सारा कुछ अकेले ही करना पड़ता है,
मेरे को तो कोई हेल्प भी नहीं करता। ये क्या बात है, छुट्टी रखी तो बाहर चली जाऊं, तो बाहर जा फिर तो मेरे को क्या मतलब छुट्टी रखने का, आराम करने के लिए छुट्टी रख रही हूँ यार, आराम मिले मुझे आज। ये देखो गंजी पे चश्मा, गंजी पे चश्मा। हेलो नमस्ते, केम छो, केमान छो, केड़ो हाल है, कैसन बनी आप सब? तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। और एक्चुअली मैं जा रही हूँ मंदिर, मतलब आपने जो अभी क्लिप देखा वो सुबह का क्लिप था, और उसके बाद से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि कुछ ऐसा कुछ खास मैंने बनाया नहीं था। दाल चावल रोटी सब्जी बनाई थी, तो वो मैं क्या ही शेयर करती, हर घर में बनता है, तो इसलिए मैंने फिर जो शूट नहीं किया था, रिकॉर्ड नहीं किया था। और शाम को मैं मंदिर गई थी, सुबह जा नहीं पाई थी इस वजह से, क्योंकि संडे था तो थोड़ा सा लेट उठना हुआ था, तो फिर शाम को मंदिर गई थी। तो बस वहीं का क्लिप है ये, और बहुत ज़्यादा मुझे सुकून मिलता है एक्चुअली मंदिर जाके। मैं नहीं जा पाती हूँ, जैसे होता ही है औरतें, आप सब समझ सकते हो, तो उस टाइम में अगर मैं नहीं जा पाती हूँ तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। और ऐसे मैं ठीक रहती हूँ तो मैं हर संडे जाती हूँ, कोशिश करती हूँ हर संडे जाने की। और मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना हो रखा था कल संडे के दिन, पूरे दिन एकदम बहुत ज़्यादा उमस थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बट शाम को 5 बजे के बाद में घने बादल हो गए थे और अच्छी हवा भी चल रही थी, बारिश हुई थोड़ी सी हुई, ज़्यादा बारिश हुई नहीं, बट थोड़ा मौसम अच्छा हो गया है। यहाँ एक्चुअली बारिश बहुत कम होती है, इतने गहरे बादल, इतने काले बादल, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, बारिश होती नहीं है। और मंदिर से लौटने के बाद में हम लोग एक्चुअली चले गए थे भाभी के घर पर, मतलब जेठानी जी के घर पर चले गए थे, तो इस वजह से फिर मैंने कुछ इतना ज़्यादा कुछ खास किया भी नहीं था घर का, वो रेगुलर जो काम होता है वही किया था। और खाने में जैसे मैंने बताया कि दाल चावल रोटी सब्जी बना ली थी, मैंने उनको बोला तो था, हस्बैंड को बोला तो था कि कुछ अच्छा सा बना लें, मतलब थोड़ा बहुत तो होता है ना कि अपने को भी छुट्टी चाहिए होती है यार, रोज़ काम करके अपना भी ऐसा होता है कि किसी दिन छुट्टी मिले, पर ऐसा होता कहाँ है एक्चुअली, हम औरतों को डेली ही काम रहता है। और कहीं मैंने पढ़ा था कि क्यों औरत की किस्मत में एतवार नहीं होता, क्योंकि सही बात है, नहीं मिलती है छुट्टी औरतों को। बारिश दिख नहीं रही, अंधेरा है ना, इस साइड से शायद दिखे, कुर्सी आ गया मेरा भाई, कुर्सी इधर से दिखे, वहां तो दिख ही नहीं रहा है अच्छे से, इधर लाइट नहीं है ना, अरे बाहर दिखे, हाँ हाँ कितना अच्छा दीवार है, कहाँ इधर बच्चे, इधर नहीं दिखेगी बारिश, झूठे बर्तन में जाना पड़ेगा आपको, गीली हो गई वैसे, हाँ नीचे बिजली भी चमक रही है। बाबू अंदर आ जा बेटा, चल हट जा, अरे हाँ एक्चुअली देखिए इन लोगों की मस्ती हो रही है। और हम लोग खाना वाना खा होके बैठे हैं, मतलब खाने में जैसा का मौसम हो रखा था उस हिसाब से खाना बनाया था भाभी ने, पकोड़े बनाए थे तरह तरह के, प्याज के पॉप और कॉर्न के, जो मैं बनाती हूँ हमेशा, आप लोगों से शेयर भी किया है मैंने, आलू के और लौकी के, इस टाइप के मतलब 4-5 तरह के पकौड़े बनाए थे, तो खूब इंजॉय किया हमने। बाबू इधर कर लो, इधर आ जाए, बापरे, जानबूझ के ये जानबूझ के था, मेरा योगा करके बताओ कैसे योगा करती हो, कैसे करते योगा करो, ये क्या ये क्या ये क्या है, ये कौन सा एक्सरसाइज है बताओ जरा मुझे। इधर देख के बोलो, एनर है मोबाइल में देख के बोलो, हेलो एवरीवन बोलो ना, बापरे बापरे उसको का लकड़ी की काठी, वो घोड़ा का ही अभी इंटरेस्ट आ रहा है। मजा आ गया, ऐसा ऐसे मेरे को भी ऐसे ही समझ में आया, अभी तो और ही कुछ बोला नहीं, हाँ अभी हम लोग भी तो और ही सुना है।
ये उसकी बात है ना, तुषार कपूर की। गोलमाल वाला तुषार कपूर है ना। और बच्चों ने काफी इंजॉय किया एक्चुअली बारिश में। ऊपर आना ही नहीं चाह रहे थे दोनों बच्चे, तो इन लोगों को ने बहुत मजे किए बारिश में। और इसी वजह से देखिए बाबू गंजी में है क्योंकि उसके कपड़े गीले हो गए थे इस वजह से। और देखिए इनको लेना है मोबाइल। क्या करोगे मोबाइल लेकर? कौन है बाबू? ऐसे नहीं करते लड्डू। ओ हेलो हेलो कर दो सबको बाबू। हाथ से छीनते किसी के गंदा बच्चा। लो